आज काम वाली नहीं आई है और नम्मो गुस्से गुस्से में बर्तन धो रही है। पका इसे देखो कैसा, इसने पूरा स्विमिंग पूल बना दी वॉश बेसिन को। पहला पला तो एक ही है ना, शेप कुछ और हो क्या ही फर्क पड़ता है ना, खाने से मतलब है पेट में ही जाने वाला है ना आड़ा तेड़ा। कुत्ता बना कर रही है। ये है बिरयानी जो कि कल अम्मी गए थे मुमरा तो वहाँ से लाए है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। शेख सिस्टर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बज रहे 6 और मैं फटाफट से इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और आज काम वाली नहीं आई है और नम्मो गुस्से गुस्से में बर्तन धो रही है। पका इसे देखो कैसा, इसने पूरा स्विमिंग पूल बना दी वॉश बेसिन को। पहला पानी वो अंदर कचरा फंसा होगा तो बिना झूठा साफ करे डालते बर्तन। इतने बर्तन थे धोई और मैं यहाँ पर अभी बना रही हूँ चिकन पॉकेट्स। सो गाइस आज मैं फिर से चिकन पॉकेट्स बना रही हूँ क्योंकि इन लोग को यही पसंद आ रहा है, समीर और नम्मो को। और यहाँ पर बटाटा वड़ा बनाऊंगी मैं, वड़ा पाव मेरे को खाने का है, बस दो चीज़ बनेंगी आज। सो गाइस इसको देखो पसीना पसीना हो चुकी है। अच्छा मुँह धोइए, मेरे को लगा पसीना हुआ। तो यहाँ अभी अंडे क्या बोलते रहे, वड़े फ्राई हो रहे गाइस। वड़े देखो बेसन में हल्दी डालना भूल गए, ठीक है। और 7:15 हो चुका है, समीर अब तक आया नहीं उसको पाव मंगाने का। अरे यार मैंने देखो गाइस कैसे आड़े तेड़े समोसे भरी, जैसे भी भरूंगी बस खाने से मतलब है अपन को। तो गाइस समोसे कुछ इस तरह कहानी है कि शादा जो क्या पॉकेट का जो मसाला बनाती है ना वो मसाले में मैंने समोसे भर दी क्योंकि पॉकेट में बहुत सारा चले जाता है वो पट्टी, और पट्टी हम लोग के पास आज कम थी इसलिए मैंने समोसे भर दी। मसाला तो एक ही है ना, शेप कुछ और हो क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, खाने से मतलब है पेट में ही जाने वाला है ना आड़ा तेड़ा बेहतर। तो भी सुबह इस हम लोग का दस्तर लग चुका है। वड़े देखो मैं मिर्ची फ्राई करी, कल का कस्टर्ड, इतनी बड़ी प्लेट चीकू है उसमें। रमजान बोलने लगी, चलो आ जाओ रोज़ा खोल। कुत्ता बना कर रही। और गाइस अभी हम लोग ने अदनान से वीडियो कॉल पे बात की है। मैं इसलिए कुत्ता बंद करी क्योंकि वो पूरा भर गया था, उठा के तो गिर जाता। और जाके नम्मो की स्टोरी देखना है इंस्टा की, तो होती ये तो कल वीडियो जाएगा, कल तक स्टोरी हट भी जाएगी, रिपीट डाल देना। हम लोग ने अदनान से वीडियो कॉल किया, अम्मी जो जिस इवेंट पे गए हैं आज मतलब इफ्तारी पार्टी पे, किधर मुमरा में, उधर अदनान और फैज बलोच और सद्दू ये तीनों आए हुए हैं एज अ गेस्ट। तो फिर वहाँ पे अम्मी भी है, तो वीडियो कॉल पे अम्मी ने बात करा है हम लोग। मेरे अम्मी भी एज अ गेस्ट। हाँ देखो पक्का मद्रास की, मतलब पाव में वड़ा भी डाला। पक्का वाला मद्रासी हूँ मैं, पक्का वाला इंडियन हूँ। हाँ सो गाइस मैं बता रही थी कि इसने पाव के अंदर वड़ा, जो मैंने वड़ा बनाई थी आज वड़ा, हाँ पहले मेयोनीज लगाया फिर उस पर वड़ा रखा फिर उसमें समोसा भी रखा और सब मिक्स खा रहा है। देखो मद्रासी सब मिक्स, सब मिक्स सब कुछ भी। अपना डेक चलाई थी कितने दिन पहले, हाँ जिस दिन पुलाव बना था मैं इसी घर पे पुलाव बनाई थी उस दिन लाई थी और अब लेके जा रही हूँ डेकचा। और डेकचे के अंदर क्या क्या भर के, और डेकचे के अंदर बता दी क्या क्या भर के लेके जा रही है, हाँ कुछ तो छुपा के लेके जा रही है हम। तो अब ये लोग जा रहे हैं अपने घर और फिर भी हम लोग खाना खाएंगे और ये बहुत थक चुका है, ये काम पे से आया डायरेक्ट इधर तो बहुत थक चुका है, उसको आ रही नींद। हम लोग मैं बोली रुक जा अभी 10:30 हो रहा है आराम से जाना, बट उसको आ रही नींद, सुबह सहरी से उठ जागा है ना, सुबह सहरी से जागा है तो अभी जाके सो जाएगा फिर उसको सहरी में फिर जाने का काम पे। तो जो बोलते हैं ना काम नहीं करता, सुन लो काम पे जा रहा है वो। हाँ सो गाइज रात को व्लॉग एंड नहीं करी तो मैंने सोची सहरी दिखा दूँ आप लोग को, तो मैं आज सहरी में खाऊंगी बहुत ही लजीज चीज़ जो कि मेरी फेवरेट है और काफ़ी टाइम से मुझे क्रेविंग भी हो रही थी वो खाने की। तो मैं बताती हूँ मैं क्या खाने वाली हूँ। सो गाइस ये है बिरयानी जो कि कल अम्मी गए थे मुमरा तो वहाँ से लाए हैं, तो मैं यही गर्म करके खाऊंगी और भूख भी लगी है क्योंकि जगी हूँ मैं रात भर, तो अभी सो गर्म करती हूँ फिर मिलती हूँ। आजकल मैं क्या बोलते हैं चाय बना ही नहीं रही हूँ अपना शहरी में, वैसे तो मैं चाय लवर हूँ, चाय बिना चलता नहीं है, बट ऐसा है ना कि चाय पी लेती हूँ ना तो नींद उड़ जाती है मेरी, इसलिए मैं चाय ही नहीं पी रही हूँ, पानी भी तक खा लिए।
भी देखते हैं पानी आएगा तो मुझे ही जागना ही पड़ेगा वरना फिर वैसे तो शाम में आता है, देखती हूँ वहाँ का कितना भरा है वहाँ का, तो फिर अगर ज़्यादा खाली होगा तो भर लूँगी, थोड़ा खाली होगा तो सो जाऊँगी, शाम में कंटिन्यू शाम में भर लेंगे पूरा। सो गाइज ये मेरी बिरयानी गर्म हो चुकी है और इसमें ना गाइज मशरूम्स है, येल्लो कलर का मशरूम कैसा मशरूम्स है, शिमला मिर्ची है, मतलब स्मोकी फ्लेवर है, बहुत अच्छा टेस्ट है, आओ आप लोग भी खाने। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं इतनी सारी सहरी में खा रही हूँ बोलो, क्योंकि मेरी फेवरेट है बिरयानी इसलिए। इसका टेस्ट है ना थप्सा राइस जैसा है, क्योंकि इसमें का चिकन भी वैसी है, मशरूम्स है और थोड़ा खट्टी मिट्टी है, जैसे चाइनीज़ बिरयानी जैसा लग रहा है, ऐसे सब मतलब सॉसेस वगैरह डले हुए ऐसा लग रहा है, मस्त नंबर है। सो गाइस मेरी सहरी हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 6:15, अभी तक सोई नहीं हूँ, रात की जगी हूँ और नमो भी आने वाली है क्योंकि समीर सहरी करके नमाज़ पढ़ के वो काम पे निकल जाता है, फिर नमो यहीं पर कल भी आ गई थी तो अभी वो आ रही है तो मैं उसका ही वेट कर रही हूँ, नींद इतनी आ रही ना, पानी पे भी जस्ट आया है, पानी भरेगा वो आएगी, पता नहीं कब आएगी, 6:00 तो उससे गुस्सा आ रही है ना, अभी नींद भी आ रही है। और गाइस मैंने क्रीम लगाई हूँ बेटनोवेटेन, क्योंकि पिंपल्स वगैरह आ रहे जो दाग हो गए हैं इस वजह से मैं क्रीम लगाई और अभी लगाई हूँ, रात भर तो मैं जगी थी सो ही नहीं कर रहे, अभी लगाई हूँ, मेरा अलार्म बज रहा है पानी का। तो गाइस बीच में मेरा अलार्म बजने लगा था तो मैंने क्या बोली आप लोगों को समझ नहीं आया। सो हाँ अब नमो आएगी कब पता नहीं, अभी मैं उसको फ़ोन करी, मेरे को फ़ोन कब आया था इन लोग का कुछ 4:30-5:00 कि मैं नमोली में आ रही हूँ, अभी तक मैं वेट करी 1 घंटा हो गया अभी तक आएगी, फिर फ़ोन करी उसको चिल्लाई बहुत आवा जल्दी पानी भी भर जाएगा तो मैं सो जाऊँगी, फिर बोलना मत मैं सो जाऊँगी तो खो जाऊँगी, उठूँगी नहीं फिर दरवाज़ा खोलने लटकी रहना बाहर, क्योंकि सारे अंदर बेडरूम में सोएंगे, बेडरूम का दरवाज़ा बंद रहता है या हॉल में वो बेल बजाएगी कुछ भी दरवाज़ा पिटेगी पता नहीं चलेगा, कॉल करेगी तो पता नहीं, हाँ कॉल करेगी तो मेरी दुकान वैसे भी खुल जाएगी, तो देखते हैं अभी कब तक आती है, वेट करते लेट सी। कल का व्लॉग एंड करना हम लोग भूल गए थे, मतलब शाना भूल गई थी, मैं तो अपने घर पे थी, तो आज मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, ये छोटे से व्लॉग को तो व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़ टाटा।